अभी कल ही आई थी गाड़ी, तो सोचा कि एक माइलेज टेस्ट होना चाहिए रेंज रोवर के ऊपर, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सी गाड़ियों का माइलेज टेस्ट देखा है, जो कि अभी चल रही है अपने थार बेस्ट एसयूवी है इंडिया के अंदर, तो उसके भी मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे। तो एक बार इसका मैं अंदर से इंटीरियर दिखाता हूँ भाई, कितना सेक्सी लगता है। पर्सनली ईवो को वर्ल्ड का बेस्ट ब्यूटीफुल अवार्ड मिला हुआ है, तो इसकी ब्यूटी तो आप सभी को दिख ही रही है। तो यहाँ पे फाइनली अपन लोग पहुँच चुके हैं अपनी रेंज रोवर को लेके पेट्रोल पंप के ऊपर। अपनी गाड़ी अभी टैंक अपना फुल है, लेकिन जो भी करेक्शन है 200-500 रुपये का जो भी डलेगा इसके अंदर वो डलवाते हैं, उसके बाद में अपन कवर करेंगे 100 किलोमीटर के आसपास। बाकी रेंज रोवर को लेने के बाद में कोई भी बंदा माइलेज का टेस्ट नहीं करता है, इसलिए मैंने देखा कि यूट्यूब पे अभी तक रेंज रोवर के ऊपर कोई भी माइलेज टेस्ट नहीं था, तो अपन फाइनली करने वाले हैं। और मौसम देखो कितना भयंकर बरसात वाला मौसम हो रखा है आज, तो अभी भैया से अंकल जी से भरवाते हैं जो भी अपना टॉप अप है, तो भैया ऊपर तक कर दो लबालब। तो भाई यहाँ पे ऊपर तक आ चुका है अपना डीजल, देख सकते हो आप यहाँ पे ऊपर तक आ चुका है, और अपन ने यहाँ पे डलवाया है 430 के आसपास आया है। मैंने बताया ना अपना टैंक जो है अभी फुल है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन था 450 के आसपास, तो ये अभी डलवा लिया है और अभी निकलते हैं यहाँ से। वो अभी जैसे आपको दिखाया मैंने ऊपर तक लबालब करवा ली अपन ने गाड़ी, और अभी जो अपना मेन काम है वो कर लेते हैं अपन ट्रिप मीटर को जीरो। तो यहाँ पे ट्रिप कंप्यूटर पे जाते हैं और ओके, देन यहाँ पे ट्रिप बैंक है, तो ट्रिप ए को अपन करते हैं यहाँ से रीसेटिंग, तो ये हो चुका है जीरो। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, एक बार पीछे मैं वापस बैक करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है ना, ए जो ट्रिप कंप्यूटर है वो जीरो हो चुका है, और 623 किलोमीटर की अपने को रेंज दिखा रही है, तो चलते हैं यहाँ से। बाकी एक और इसके अंदर रेंज रोवर ईवो का अगर कोई पूछेगा कि इसका जो टैंक है वो अपन पूरा टॉप अप करवाएं तो कितने के अंदर हो जाएगा, तो भाई इसका जो टैंक है करीबन करीबन 5,000 से 6,000 रुपए के बीच के अंदर पूरा टैंक फिलअप होता है इस गाड़ी का। तो भाई सामने आपको दिख रहे हैं ना पहाड़, तो चल दिए हैं अपन, और हल्के हल्के गाने और वही मौसम, और सामने बरसात हो ही रही है, और सामने का आपको मौसम दिख ही रहा होगा कि इतना अल्टीमेट हो रखा है ना। तो भाई यहाँ पे हाईवे पे चढ़ते ही कैसा ट्रैफिक मिल चुका है अपने को, बहुत ही भयंकर वाला। तो साला यही तो नहीं चाहिए ज़िंदगी के अंदर ट्रैफिक ही। तो बाकी अभी अपन चल चुके हैं कुछ 22-23 किलोमीटर के आसपास, तो अभी चलते हैं सीधा स्ट्रेट अपन, ये जो हाईवे है दिल्ली, दिल्ली वाला हाईवे, तो ये ले रखा है अपन ने। ओ भाई देखो भाई मौसम कैसा हो रखा है, और आज मेरा जैसे ही प्लान बना इसके माइलेज टेस्ट का, तो भाई देखो हम कहाँ पे आ गए हैं, और सामने देखो कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे सामने, बहुत ही भयंकर वाली। किलोमीटर चल चुके हैं अभी, और अभी अपने को करीबन 25 या 30 किलोमीटर के आसपास और चलना है। तो अभी यहाँ पे अपने को एक भाई मिल गए थे अपने ही थे नहीं तो उनकी गाड़ी में इसको बिठाया मैंने, और फिर इससे पहले वाला जो आपने शॉट देखा है ना सिनेमेटिक शॉट गाड़ी का, वो भाई कमेंट करके बताना आप कैसा क्या लगा आपको। नहीं
Honda.com. फाइनली भाई सुबह जिस पेट्रोल पंप से अपन ने डीजल फिलअप करवाया था अपनी गाड़ी में वहाँ पे अपन पहुँच गए और करीब टाइम 5:30 बज रहे हैं अभी और ऑलमोस्ट अपन ने 102 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिए। तो अभी जैसे डीजल फिलअप होता है उसके बाद में आपको बताएंगे टोटल अपना जो माइलेज कितना क्या देती है अपनी गाड़ी। तो अभी वापस उतना ही फुल करवाएंगे जितना सुबह करवाया था अपन ने, सामने ही दिख रहा था अपने को डीजल, तो उतना ही करवाएंगे अभी भी। तो आपको दिख रहा होगा वापस से फुल करवा लिया अपन ने, यहाँ पे सामने दिख रहा है डीजल। तो यहाँ पे देख लो 10.11 लीटर तेल आया है अपनी गाड़ी के अंदर। और अभी कैलकुलेट करते हैं अपन, और अपन किलोमीटर चल चुके हैं, अभी दिखाते हैं आपको और इसको ओके करते हैं। यहाँ पे 103 किलोमीटर चल लिया है अपन ने, तो अभी कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर 103 डिवाइडेड 10.11, तो ये एवरेज दिया है गाड़ी ने 10.18 का एवरेज दिया है गाड़ी ने। तो रेंज रोवर के हिसाब से ठीक ही एवरेज था, इतनी महंगी गाड़ी लेओगे तो एवरेज तो इतना ही आएगा। एवरेज ये मानोगे 10 गाड़ी के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है एवरेज, करीबन 8.5 लीटर पर 100 किलोमीटर के हिसाब से इसका एवरेज होता है, करीबन 13-14 का एवरेज। बाकी गाड़ी ने जो एवरेज दिया है वो 10 का दिया है। बाकी निकलते हैं अभी घर और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।